दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है नाड़ी यंत्र, मतलब वेरियस स्कोप्स इन आयुर्वेदा। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी, हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों नाड़ी यंत्र मतलब जो आयुर्वेद में यंत्र कहे गए हैं, 101 यंत्र कहे गए हैं, मुख्यतः 6 प्रकार के यंत्र कहे गए हैं। ताल 2, सदोंश 2, नाड़ी यंत्र 20 कहे गए हैं, विंशतिर नाड्यो, स्वस्तिक यंत्र 24 है, उपयंत्र 25 है और शलाका यंत्र 28 है, ऐसे 101 यंत्र कहे गए हैं। उसमें से सिर्फ नाड़ी यंत्र नाड्यो विंशति जो 20 प्रकार के नाड़ी यंत्र कहे गए उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले यंत्र क्या होता है ये हम देखेंगे। तो तत्र मनः शरीर बाधकराणि शल्यानि तेषां आहरणोपायो यंत्राणि, ऐसा सूत्र स्थान में 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में कहे गए। तो यंत्र क्या है, जो शरीर और मन को जो बाधा करते हैं, जो बाधा करने वाले जो शल्य होते हैं उनके आहरण के उपायों को करने वाले को यंत्र कहते हैं। तो ऐसे ये यंत्र की व्याख्या सुसु जी ने की है। आगे विंशति नाट्य की चर्चा करेंगे। तो ये जो 20 प्रकार के नाड़ी यंत्र कहे गए हैं उसके बारे में सुसु जी ने कहा है कि नाड़ी यंत्राणी अनेक प्रकाराणी अनेक प्रयोजनानी एक तो मुखानी अब उभय तो मुखानी चेतानी स्त्रोतोगत शल्योद्धारणार्थम रोग दर्शनार्थम आतुषणार्थम क्रिया सौकर्यार्थम चेती तानी स्त्रोतोद्वारम परिहाणानी यथा योग दीर्घाणी च, ऐसा सुसुत सूत्र स्थान के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहे गए हैं। तो इसका विवरण क्या है, तो ये जो नाड़ी यंत्र होते हैं ये एक मुख वाले होते हैं, द्विमुख वाले होते हैं। एक मुख वाले मतलब एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज है। द्विमुख मतलब दोनों तरफ से जो ओपन है, उभय तो मुखानी। इनका प्रयोजन क्या बताया गया है, तो स्त्रोतोगत जो स्त्रोतस होते हैं, जो वेरियस हॉलो विस्कस होते हैं, सिस्टम होती है, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइन हो गई, यूरिनरी सिस्टम हो गई, ये इनको अंदर से देखने के लिए स्त्रोतोगत शल्योद्धारणार्थम रोग दर्शनार्थम इनका अंदर जो रोग है वो देखने के लिए, आचुचनार्थम मतलब उन अगर कोई फॉरेन बॉडी कोई बच्चा निगल लेता है तो स्टमक से वो आचूषण करने के लिए निकालने के लिए, या फिर कोई फूड पॉइजन की केस होती है तो उसको सक्शन के जरिए हम निकालते हैं तो वो भी नाड़ी यंत्र का ही भाग है, नाड़ी यंत्र से ही हम उसको आचूषण कर सकते हैं। क्रिया सौकर्यार्थम मतलब आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं पेशेंट पर उसका क्रिया सौकर्यार्थम मतलब वो क्रिया ईजीली हो जाए उसके लिए ये सब नाड़ी यंत्रों का इस्तेमाल शास्त्र में कहा गया है। देखो दोस्तों यही नाड़ी यंत्र जो आजकल हम सिस्टोस्कोप, लैप्रोस्कोप, यूरेटरोस्कोप, नेफ्रोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप, कोलोनोस्कोप, तरह तरह के जो स्कोप इस्तेमाल करते हैं, यही तो वर्णन है, यही तो प्रयोजन है उनका शास्त्र में जो कहा गया है। आज के जो ये स्कोप्स है इनमें और इन नाड़ी यंत्र में क्या फर्क है, तो सिर्फ इतना फर्क है कि ये जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल बनाए गए हैं। ये एक फ्लेक्सिबल या फिर एक रिजिड ट्यूब होती है जो मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट विथ लाइट एंड नैनो कैमरा, मतलब ये इसमें लाइट और नैनो कैमरा डाल दिया जाता है। तो यही तो नाड़ी यंत्र बन जाता है, यही तो स्कोप बन जाते हैं, यही तो वर्णन हमारे शास्त्र में कहे गए हैं। तो ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ द नाड़ी यंत्र इसे हम कह सकते हैं, मतलब जो बातें 2-3 हज़ार साल पहले कही गई है उसका ही मॉडर्नाइजेशन करके पाश्चात्य देशों ने उसका मॉडर्नाइजेशन करके अभी दुनिया में लाए हैं। ये नाड़ी यंत्र के बारे में चक्रपाणि जी ने कहा है, नाड़ियों मध्यम सुशिराणी नाड़ी यंत्राणी इति चक्रहा, जो अंदर से खोखली होती है, पोकल होती है, उसे नाड़ी यंत्र कहते हैं। इसका ये कौन कौन से उदाहरण है, उन्होंने नाड़ी यंत्रों के उदाहरण भी बताए हैं, भगंदर अर्शो व्रण बस्तितर बस्ती मूत्र वृद्धि दकोदरहा धूम निरुद्ध प्रकाश सन्निरुद्ध गुदहा यंत्राण्य अलाव श्रृंग यंत्राणी च उपरिष्टा द्वेक्षाम, सुसुसूत्रस्थान 7वें अध्याय के 13वें में बताए। मतलब भगंदर यंत्र, अर्शो यंत्र, बस्ती यंत्र, ये सब यंत्र नाड़ी यंत्रों में आती है, ऐसे ये 20 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा नाड़ी यंत्र के बारे में वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि दुनिया को भी पता हो सके कि हमारे शास्त्रों में जो बातें कही गई है वो आज भी कितना तथ्यपूर्ण है। सिर्फ
फर्क इतना है कि पुराने वक्त में जो संसाधन उपलब्ध थे उसके हिसाब से ही उन लोगों ने काम किया, लेकिन आज जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है तो उसमें हम शास्त्रों के साथ में अगर मॉडर्न का भी रूप डाल देते हैं तो वो अपने मानव जाति के लिए बहुत ही कल्याणदायक साबित होगा। नमस्ते दोस्तों।